यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो हमें क्या करना है कि 5 के फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाकर तैयार करना है। तो इसलिए हमने क्या करा, 1 से लेकर 6 यहाँ पर पुट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे 5 का फैक्टोरियल है मतलब 1 से लेकर 5 तक के नंबर का मल्टीप्लाई। तो आपने यहाँ पर क्या साइन यूज़ कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो अभी पहले 1 और 2 किसके पास जाएगा, एक्स वाई के पास जाएगा। तो इससे कंडीशन पर यहाँ पर देखो, x के पास 1 आ गया, y के पास 2 आ गया, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 2। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो किसके पास जाएगा, x के पास जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 3। तो 3 किसके पास जाने वाला है, y के पास, और दोनों का मल्टीप्लाई होने पर कितना आ गया, 6। अब 6 किसके पास जाएगा, x के पास जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 4। तो 4 किसके पास जाने वाला है यहाँ पर, y के पास। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 24। अब नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो 24 किसके पास जाएगा, x के पास, और 5 किसके पास जाने वाला है, y के पास, और दोनों का यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होने पर कितना होगा, 120। और फाइनल यहाँ पर कितना आ गया, 120, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या करेगा, रिड्यूस फंक्शन रिटर्न करेगा, और प्रिंट हमने यहाँ पर क्या करवा दिया, उसे करवा दिया। इसीलिए यहाँ पर 120 आउटपुट आकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम है रिड्यूस फंक्शन की हेल्प से। और ठीक है, एग्जाम्पल को हमने रन करा तो बिल्कुल 120 यहाँ पर आउटपुट आकर डिस्प्ले हो गया है।